अम्मी अपने लाडले से कह दे जिनकी शादी है ना मैं उनका छोटा भाई हूं, तुम ये शॉपिंग करवा दे जरा। बड़ी बातें करनी आ गई हैं तुम्हें, किसी चीज की कमी तो नहीं है तुम्हारे पास? अम्मी इतनी महंगी महंगी शॉपिंग की जा रही है, और तो और आप ही के ससुराल वालों ने सोने के कंगन भी बनवाए हैं इनके लिए, मेरा भी तो कोई हक है। नहीं अच्छा अगर तुम कहते हो तो मैं भी बनवा देते हैं, ठीक है? आप मुझे कैश दिलवा दे, कंगन मैं खुद बनवा लूंगा। हाँ पैसे तो दरख्तों पे लगे हुए हैं ना, कैश दे दो इन्हें। कोई चीज रह गई है तो शानी को बता दो, ले आएगा वो। शानी भाई से ना किफायत शारी पे इतने बड़े बड़े लेक्चर मिलने से बेहतर है कि मैं कोई चीज खरीद लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी बच्ची। देखा मैं कहती थी ना शांजे मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती। आंटी मैं इस घर के किसी भी फर्द से नाराज नहीं हो सकती। लेकिन मैं हूं आपसे नाराज। अच्छा क्यों? ये बंदा फोन करके पूछ लेता है कि पेपर्स हुए कैसे, हुए अच्छे हुए बुरे हुए, लेकिन नहीं। तुम्हारी काबिलियत का अच्छी तरीके से अंदाजा है शांजे को। तुमने भी तो फोन नहीं किया मुझे। अरे बेटा रहने दो इसकी फजूल बातों को, इसे तो बस एतराज 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 करना है। शानजे आपी मेरा बस चले, मैं तो आपको रोज फोन करूं, लेकिन भाई को नहीं पसंद ना। नादिया क्या आप मुझे शानी से पूछ के फोन करती हैं? नहीं। सुन लिया तुमने, तुम भी मुझे फोन कर सकते हो, शानी कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। अरे वो घर में सबसे बड़ी है, उन पे किसी का जोर नहीं चलता। मैं घर में छोटा हूँ, मुझ पे सब अपना बस चलाते हैं। अच्छा बस भी कर दो, बोले चले जाते हो, इतने मजलूम भी नहीं हो तुम। अच्छा मजलूम तो खैर अम्मी मैं हूँ, सबने शादी की इतनी इतनी शॉपिंग कर ली, मैं वहीं का वहीं बैठा हुआ हूँ। इसकी बातों का बुरा ना मानना बेटा, जो मुंह में आए कह देता है। कोई बात नहीं आंटी, मुझे इसका बोलना अच्छा लगता है।